तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होगे और मस्त होगे। तो गाइस, अभी दिन का 10:30 हो रहा और मैं इधर आ चुका हूँ, देख सकते हो, मतलब घर के खेत तरफ आ चुका हूँ। और आज दूसरे लोकेशन पे हूँ, देख सकते हो। हाँ, पहले भी आ चुका हूँ इधर, लेकिन ये हमारे गाँव का ठाकुर देव है और इधर आया था घूमने। बैठा हूँ अभी फिलहाल तो मैं। और हाँ गाइस, कल शाम को ना बाल कटाने गया था। गाइस, अभी फिलहाल इधर बैठता हूँ, फिर चलता हूँ घर। नहाया भी नहीं हूँ, खाना खाया भी नहीं हूँ। तो मेरे गाइस, हम जा रहे हैं अब घर तरफ, देख सकते हो। थोड़ा देर बैठा था इधर, अच्छा नहीं लग रहा था तो। और देखो, ऐसे लग रहा है दोपहर हो गया। और अभी देखो, सूर्यदेव इधर है और अभी 11 बजा है। ऐसे लग रहा है जल्दी, मतलब दिन, मतलब ना दिन जल्दी ढल गया है, ऐसे टाइप लग रहा है। पता है, आजकल का दिन ही ऐसा है, जल्दी टाइम हो जाता है और जल्दी दिन भी ढल जाता है। जाता हूँ अब फिलहाल, नहाऊंगा, नहाया नहीं हूँ, भूख भी लग रहा है। पता नहीं आज घर में क्या सब्जी है। तो चलो गाइस, चलते हैं घर तरफ। तो गाइस, पानी भर रहा है, देख सकते हो, और मैं अभी नहाने वाला हूँ। ये बोर चालू कर दिया हूँ, इसमें सिंटेक्स में भरा रहा पानी। पानी भर जाएगा फिर नहाऊंगा गाइस। ये देखो, सुना रहा होगा, पानी भर रहा है इसमें, ये देखो। तो गाइस, देख सकते हो, मैं नहा लिया पूरा। ये बोर चल रहा है, अभी भी पानी पानी हो गया पूरा इसको। तो गाइस, देख सकते हो, मैं खाना वाना खा लिया, शर्ट पैंट सब चेंज कर लिया, शर्ट को चेंज किया हूँ। और गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ, देख सकते हो, कोठार पे। अभी तो इसमें धान ला रहे हैं, देख सकते हो, कुछ इतना लाए हुए हैं, बाकी उस दिन का ये रहा। इसको भी ना, इस धान को भी ऐसे करके गांज देंगे किसी साइड में, इधर इधर पर अभी बाकी है और ला रहे हैं। अभी तो बहुत सारा और आएगा, और उस कोठार में भी है। तो गाइस, अभी तो धान ढोराई चल रहा है और मैं आया हूँ कोठार तरफ, साग सब्जी के। देखो कितना अच्छा हो गया। फिर ये टमाटर दिन में दिन सक्सेस हो रहा है, देख सकते हो। और मम्मी पापा आ गए दोस्तों जंगल से। और हाँ गाइस, पापा ना मेरे लिए इसको बनाए हैं, देख सकते हो, धान ढोने के लिए। अभी तो इधर कील लगेगा एक, तब तो सपोर्टिंग बनेगा, देख सकते हो। तो किसी दिन इसी में डोहारूंगा धान को। तो गाइस, देख सकते हो, मैं बाहरी तरफ आ चुका हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। इसको लाए हैं आज पापा और मम्मी, बस दो ही जन। इसको ना रूंधेंगे, देखो इधर खुल गया है और इधर भी। ये उस दिन टूटा था ये पपीता पेड़, देखो कितना सारा पपीता पड़ा था, पूरा नुकसान हो गया, देख सकते हो। और छोटा पेड़ था, फर बहुत ज़्यादा था इसलिए टूट गया। और इधर भी देख सकते हो, रूंधना पूरा टिकाऊ नहीं है ना, इसलिए इसको अभी और लाएंगे। कल भी तो मैं भी जाऊंगा पहाड़ रूंधना लेने के लिए। तो गाइस, इसको पूरा रूंधेंगे अभी, आज तो नहीं, कल परसों, क्योंकि ना अब देखो साग भाजी जग गया इधर पूरा। वो चीज़ है, क्या कहते हैं, धान वगैरह है तो ना गाय घुस जाएगा इसमें इसमें, इसलिए इसको रून देंगे पूरा। तो दोस्तों, मैं अभी गली साइड हूँ, देख सकते हो। और ये रहा अनिल के बाइक। अनिल हमारे खेत तरफ है, अभी उधर जाऊँगा बाइक में अनिल की तरफ। अभी घर आया था थोड़ा सा, ये छोटा फ़ोन है ना एक, इसको लेने आया था, अब मिल गया। अब चलते हैं उधर ही, थोड़ा बातचीत करेंगे उससे। चलो बाइक स्टार्ट करते हैं, फिर चलते हैं उधर। तो गाइस, मैं इधर आ चुका हूँ, देख सकते हो, खेत तरफ। अनिल तो इधर है, इधर बैठा है कहीं पे। तो गाइस, मेरे को मम्मी ने भेजा था क्योंकि इस पान लेने के लिए, ये वो चीज़ पान है, सराई पेड़ है, इसका पान लेने के लिए, क्योंकि आज ना एकादशी है। तो मेरे तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से आप सब लोगों को हैप्पी एकादशी। तो चलो पान वान तोड़ते हैं, देखते हैं अच्छा है या नहीं, इसमें चग ही लेते हैं, देखते हैं। ये तो पूरा खराब हो गया है पान, क्योंकि ना इधर रोड है ना, तो पूरा धूल मिट्टी उड़ के इसमें चले जाते हैं पेड़ में, तो खराब हो गया है मतलब पान। और देख सकते हो, बहुत फट फट गया है पान। ये रहा, इधर भी का फट गया है पूरा पान। तो इसे यह मतलब ये पान क्यों चाहिए बता रहा हूँ आप लोगों को। एकादशी में ना रोटी बनता है, पता होगा आप सब लोगों को, वो सराई पान से बनाते हैं रोटी को, इसे पान लेने के लिए। तो पान तो ये ख़राब है। अब चलते हैं प्लांट की तरफ, देखते हैं उधर होगा तो अच्छा से। तो चलो चलते हैं। तो गाइस देख, और एक सराई पेड़ और मिला है हम लोग को। अब देखते हैं इसमें के पान को कैसा है, कोई इधर जा लेता हूँ पहले। तो गाइस, अनिल घुसा है ऊपर में, पेड़ के ऊपर में, ये देखो डेटा लटोर देता है, तोड़ा तरा हुआ इसने।
इतना सारा हो गया, देख सकते हो। एक और आ गया गाइस, देख सकते हो कुछ इतना टोड़े हैं, और इधर भी है। तो गाइस इनको घर लेके आ गया, देख सकते हो। इस दे दिया मम्मी को, अब थोड़ा देर चार्जिंग कर लेता हूँ फोन में, चार्जिंग नहीं है फोन में, फिर मिलता हूँ आपसे। तो गाइस देख सकते हो फोन में चार्ज वार्ज हो गया पूरा, और मैं स्वेटर वेटर पहन लिया, ठंड भी लग रहा था ना बहुत जोर से, इसलिए स्वेटर कहीं पहन लिया पूरा, हाथ पैर धो लिया। और देखो इधर का कुसियार को ना अभी पापा लोग काटे हैं, ये देख सकते हो कितना सारा कचरा बगड़ गया, इधर इधर था ना उसी को काट लिए। ये देखो इधर एक है छोटा सा, ये रहा, इस साल ज़्यादा नहीं है, अगले साल था बहुत, लेकिन हाँ काम चल जाएगा इतने में। हम ज़्यादा खाते नहीं कुसियार, बस मेन के लिए। तो गाइस अभी चलते हैं, इधर थोड़ा घूम के आते हैं, इसको साइड में कर देते हैं, कोई गिर जाएगा वरना। गाइस इधर बैठा हूँ, देख सकते हो इसमें, अभी थोड़ा देर के बाद चलते हैं घर, रोटी वोटी बनेगा तो खाएंगे, पूजा भी होगा आज घर में, आज एकादशी है ना। और ये देखो गाइस विकलांग के लिए मिला है इन लोग को, विकलांग है ना ये, इसलिए मोटर वाला है, बैटरी वाला। थोड़ा देर बैठते हैं फिर चलते हैं घर तरफ। गाइस देख सकते हो पूरा अब अंधेरा होने वाला है, पूरा थोड़ा थोड़ा हो ही गया है, देख सकते हो। मैं खेत तरफ था उतना टाइम से, मोनू तो चला गया खेत को देखने आया था कितना बचा है कितना नहीं, तो बस यही खेत बचा है और दो तीन इधर खेत बचा है, तो बाकी सब लू आ गया पूरा कंप्लीट इधर का। अब चलो चलते हैं घर तरफ, रोटी वोटी देखते हैं बना या नहीं, पूजा वूजा होगा अभी तो चलो चलते हैं घर तरफ। आज तो बहुत ज़्यादा ठंड है गाइस, पता नहीं स्वेटर भी काट नहीं कर रहा मेरे को, तो चलो जल्दी से चलते हैं, हाथ पैर धोते हैं फिर चलते हैं घर अंदर। देख सकते हो इसको अभी मम्मी बनाई है रंगोली, और इसमें पूजा होगा तुलसी मैया का, देख सकते हो, अभी दिखाता हूँ आप लोगों को। तो गाइस मैं देख सकते हो ना इधर दिया रखने के लिए आया हूँ, कितना अच्छा दिख रहा है, देख सकते हो इधर कहीं पे रख देता हूँ दिया को, और फिर चलते हैं घर अंदर, पूजा होगा। सब तरफ कर दिए हैं दोस्तों, देख सकते हो इधर भी कितना अच्छा लग रहा, इधर भी कर दिए हैं, अभी तो इधर पूजा होगा और गली तरफ भी होगा, तो चलो अब चलते हैं घर अंदर। तो अभी पूजा होगा दोस्तों यहाँ पर, तो गाइस मस्त पूजा वूजा हो गया, अब चलते हैं सब्जी बनाते हैं, हमारे घर में आलू और मूली सब्जी है। गाइस देख सकते हो एकादशी का रोटी पीठा होता है ना, रोटी रोटी, ये रहा ये ना, इसको निकालते हैं कागज को, फिर ये रहा रोटी, इसको बहुत अच्छा लगता है, ये रहा कांदा, इसमें बनाए थे खा लिया बहुत सारा, अब थोड़ा सा बचा है, इसको सुबह खाएंगे, इसको ढक देते हैं, चलो अब खाना खाने की तैयारी करते हैं। तो मेरे गाइस मैं खाना वाना पूरा खा लिया, इधर निकला तो घूमने के लिए, बस टंकी तक गया था, ज़्यादा दूर नहीं। तो गाइस होप करता हूँ इस वीडियो आपको अच्छा लगे, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पे सुबह।